पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने। मित्रों, अयोध्या राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई है। रामलला की भी मूर्तियां बनकर तैयार हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है। अब बस इस भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी, कब बनेगी? अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से क्या खास अपील की और अयोध्या में कैसा हुआ चमत्कार जिसे देख दुनिया हुई हैरान, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाई है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगी राज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या के कारसेवक पूरम में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियां को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास करेंगे, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भ गृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों मूर्तियों के मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं। और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यह रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जीत सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। उनकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाए। इसके अलावा शायद आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है, तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली। ये प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंची होगी, लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसी के साथ स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी एलएनटी को ही सौंपे है और इस बजट पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैचू की डिजाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाहर बड़ी जमीन खरीदने की बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू होगा। हालांकि इसे बनकर तैयार होने में अगले 3 साल का समय जरूर लग जाएंगे। लाखों श्रद्धालु बल की अयोध्या पहुंची। वानर सेना और महान जटायु के वंशज ये है। प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। लेकिन उससे पहले राम लला के सच्चे भक्त होने के साथ वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखें और सब्सक्राइब करें।